हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह पावर्ड बाय नमन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपको मिलके कुछ ना कुछ क्लैरिटी अभी करंट जो पाकिस्तान का केओस चल रहा है उसके ऊपर जरूर मिलेगी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह देख रही हैं। अभी एक सवाल चल रहा है यंग लोगों के अंदर, स्टे इन पाकिस्तान और लीव पाकिस्तान। वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि पाकिस्तान के अंदर अभी रहना चाहिए कि जो लोग जा रहे हैं और जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि इसके ऊपर हमें थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत है। हमारे साथ बुशरा भट्ट साहब मौजूद हैं। शी इज़ एन एक्स MPA और ये मुस्लिम लीग एन से इनका नून से इनका ताल्लुक है और आप इनसे हमारे स्टूडियोज़ के अंदर पहले भी मिल चुके होंगे। आज बुशरा साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क का फ्यूचर जो है, पाकिस्तान का फ्यूचर आपकी ज़ुबानी, या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आप जो है जब भी हम आपको मौजू करते हैं यू ऑलवेज टेक आउट टाइम और हमारे पास तशरीफ ले आते हैं। थैंक यू मुस्तफ़ा फॉर इन्वाइटिंग मी वंस अगेन। और मेरा ख्याल है कि जो आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स द क्वेश्चन ऑफ द आवर वाली बात है। हर किसी के डिफरेंट दिमाग में, और जाहिरी बात है हर किसी के लाइफ इस तरह से अफेक्ट हुई है, और ये कोई आज की अफेक्ट नहीं हुई, पिछले 4.5 साल से मेरा ख्याल है कि जो सियासी माहौल बना और जिस तरह से उसको क्या कहते हैं ना लादा गया, इट वाज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। मेरा ख्याल है अब तो ओपनली इसके बारे में बात भी करना इज नॉट अ टैबू एनी मोर। और अगर आप 2013-2018 में देखें तो जिस तरह मुल्क तरक्की की राह पे गामजन था, सीपैक फुल थ्रॉटल चल रहा था, अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी थी, यूथ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी, इस चीज़ की तो मैं खुद गवाह हूँ। बिकॉज हमने जब सीपैक के साथ मुआहदे किए तो हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हम पूरी पूरी फैसिलिटीज़ को यहाँ मूव करें। सीपैक एज यू ऑल नो दैट इट वॉज नॉट द रिवाइवल ऑफ सिल्क रूट ओनली, बल्कि उसके साथ ये था कि हम चाह रहे थे कि हमारे यहाँ सनतकारी भी हो, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़े, हमारे यहाँ जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले। जो ब्रेन ड्रेन की आप बात आज कर रहे हैं और जो हमें फेस करना पड़ रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों। हम आज बात करते हैं कि 60%+ ऑफ आर नेशन कंप्राइजेस ऑफ यूथ। ये यूथ बल जो है इसको हमने एसेट बनाना है, ना कि लाइबिलिटी। तो एसेट तो ऐसे ही बनना है, इन्वेस्टिंग इन दम थ्रू एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन दम थ्रू गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल। एजुकेशन के साथ जो एंड रिजल्ट है कि आपने अपॉर्चुनिटीज भी देनी है। तो हमारा तो पूरा ये मकसद था, और बल्कि मैंने खुद इतने स्टूडेंट्स के साथ PhD बॉन्ड साइन किए कि गवर्नमेंट विल फंड योर PhDs प्रोवाइडेड यू कम बैक एंड सर्व द नेशन। तो हम तो उस राह पे चले हुए थे। फिर एक एक्सपेरिमेंट आया और सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, और फिर एहतसाब एहतसाब के नारे लगने लग गए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ, उसकी कारकर्दगी की तरफ रुझान कम हो गया था, और एक स्कैंडलस वो कहते हैं ना एक सियासी मुहिम चल गई थी जो सिर्फ सोशल मीडिया पे थी। पाकिस्तान वॉज एक्चुअली बींग रन ऑन सोशल मीडिया कैंपेन्स हैशटैग्स के जरिए। तो वो तो ट्रेंड्स आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और अब आप लोग करंटली जितनी भी आप लोगों की जो भी एक्टिविटी है यू जस्ट ट्राई टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। मैं PMLN एज अ पार्टी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो वो तो उन्होंने उसको टूल के तौर पर यूज किया ना, जस्ट टू मोबिलाइज द यूथ। एब्सोल्युटली राइट मुस्तफा, द थिंग इज के तर्ज सियासत बदल गई है, और नून लीग आज भी वी आर इन द टीदिंग फेज एज फार एज डिजिटलाइजेशन इज कंसर्न। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, वी फेस्ड अ ग्लोबल पेंडेमिक, एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटलाइज्ड। और पहले ये कोरोना से पहले कभी सोचते भी थे ना कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ये अगर आउट ऑफ मतलब घर पे काम करना, ऑफिस आवर्स कम करना, इसके बारे में तो ये कॉन्सेप्ट एलियन लगता था। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसा ज़ारा जैसे ब्रांड यूरोपियंस नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन ऑपरेट। और मुस्तफा दिस आइडिया वाज फर्स्ट फ्लॉन्टेड इन द यूरोपियन साइड कि हम किसी तरह एनर्जी रिसोर्सेज को सेव करें बाय वर्क फ्रॉम होम वाला। और वो कॉन्सेप्ट जब पाकिस्तान में सोचते भी थे तो लगता था ये कैसे होगा। मतलब ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट जो वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि यूरोपियन माशरे के अंदर लोग यूजली आफ्टर 18 ईयर्स और देयर टीन एज वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो अकेले रह रहे होते हैं, मतलब खुद रह रहे होते हैं, एक बंदा रह रहा है या अपने पार्टनर के साथ रह रहा है। हमारे पास तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है,
यहाँ तो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी, मीटिंग्स के अंदर पीछे बच्चों की आवाजें आ रही हैं, सो आई थिंक ये मनोमन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इज द मेन, वो कहते हैं ना मदर ऑफ इन्वेंशन वाली बात है कि जब कोविड के टाइम पे हम सब ने घरों में बैठ के काम किया था ना, एवरीबडी गॉट यूज टू इट। हमारे जो हमसे एल्डरली हैं वो फोन के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर्स करने लग गए थे, डिजिटल बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रमोट हो गई हुई थी, हर चीज हो गई थी और होती है। तो है पर प्राइमरीली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि इसमें एजुकेशन है। अब आपने जब तक क्लासरूम के अंदर बैठना नहीं है और आपने डेली यूनिवर्सिटी या स्कूल जाना नहीं है, वो जो कल्चर है ना, वो एक पूरी जो ट्रेनिंग है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिग्री। अगर आपने डिग्री वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो घूम फिर रहे हैं, बट एक कल्चर होता है, आप जाते हैं, यू ग्रूमिंग है, उनसे आपकी मुलाकात होती है और उस मुलाकात से डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम, आपकी जो गपशप होती है, कल्चरल इंटीग्रेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोकुलर एक्टिविटीज, वो फिजिकली जाके क्लासरूम के अंदर आप कर सकते हैं। यू एब्सोल्युटली राइट। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आज आप एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, आज आप पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं, आपका बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपोजर, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, सोशल बॉन्डिंग, सोशल जो एटिकेट्स हैं आपको इसी तरह आते हैं। लेकिन अगर आप अ गुड कॉम्बिनेशन 2-3 कर लें, 3 दिन चले जाएं, 2 दिन फ्रॉम होम कर लें, क्योंकि इस तरह के अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। अगर आप बात करें कि जी मार्केटें बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं, 5 बजे मॉल्स बंद हो जाते हैं, सुबह 7 बजे सब एक्टिव होते हैं, वहां जाके तो हम वाह करके आ जाते हैं, बट वाई कांट बी अडॉप्ट द सेम कल्चर हेयर। जब 9 बजे यहाँ दुकानें बंद हुई थी तो मैं बड़े पढ़े लिखे लोगों से मैं रियलाइज करती थी कि एजिटेशन फील होती थी और तब इमरजेंसी लग गई थी, देर वॉज एन ये जो रिसोर्सेज के ऊपर, एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से इमरजेंसी लगी, 9 बजे दुकानें बंद हो रही थी, तो पीपल वर गोइंग बुलिस्टिक। आई थिंक उसमें जो है ना, मुझे लगता है कि जो हमारे ताजे भाई हैं, जो ब्रादरान हैं, उनका एक कल्चर है कि वो 11-12 बजे से पहले शॉप तो पे आते हैं। तो वो कल्चर जब चेंज, क्लाइंट को, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं दे, जिसने कोई चीज खरीदनी है उसने टाइमली खरीदनी है। इवन कि अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जिन्होंने खाना खाना होता है वो टाइमली चले जाते। शादियां, मियां शहबाज शरीफ साहब ने सोचे एक शादियों का टाइम को वो किया था, जिस टाइम पे शादी क्लोज हो जाती उस टाइम पर तो दूल्हा या दुल्हन आ रहे होते, बिल्कुल वो हो रही है ना शादियां पंजाब के अंदर। एक्सेप्ट करने की बात है, एज अ नेशन हम कहते हैं कि सॉल्यूशंस हमें दूसरे दे दें, हमें कुछ ना करना पड़े। यू नो व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग एज अ नेशन, अगर आज आप बात ब्रेन ड्रेन की करते हैं फॉर इंस्टेंस, क्या बहुत चीजें, ब्रेन ड्रेन जो है ये इज दिस समथिंग टू वरी, या जिस तरह वो काकर साहब ने कहा था इतनी परेशान होने वाली क्या बात है, या इतनी वाहवाही करने वाली क्या बात है इसके ऊपर? नहीं मुस्तफा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट डिडंट हैपन ओवरनाइट। ब्रेन ड्रेन इज वेरी अलार्मिंग, बट द नंबर्स एकदम आपको जो नजर आ रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, a lot of people have invested in a second passport, aur ye aaj se nahi kiya hua, bahut arse se kiya hua, thinking ki jab hamare bacche university level pe jayenge to hum unko plan b ke taur pe, plan b nahi tha, ye plan a tha unka ki jab hum university level pe bacche jayenge agar wahan ki wo citizenship rakhte hain to unki tuition fee waiver off ho jayegi, so it was an investment which was made, matlab aaj dekhe na किसी का बच्चा यूनिवर्सिटी पे 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र में भी जा रहा है तो 18 साल पहले की इन्वेस्टमेंट थी या 10 साल पहले की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जब किसी का बच्चा बाहर पढ़ता है डॉलर्स में उनकी फीस जाती है और जब वो वापस आता है फ्रेश ग्रेजुएट की यहाँ तनख्वाह 1-1.5 लाख है, तो हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है तो एटलीस्ट 2 या 3 साल वो बाहर लगाए, डॉलर्स या व्हाटएवर करेंसी में पैसे कमाए। ये सबकी सोच होती है, ये आज की सोच नहीं है, ये हमेशा की सोच है। जिस जिसने अपने बच्चे की यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट की है उसकी यही सोच नहीं, वो तो समझ आ गई सोच ही है, तो पर आप लोगों ने क्या किया एज अ पॉलिटिशियन, जो पाकिस्तान पंजाब में सबसे ज्यादा हुकूमत आपकी रही है, आपने ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जो यहाँ की यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो बाहर की, मतलब आपने 1-1.5 लाख रुपए एक बात की, आई एम श्योर कि कमेंट के अंदर जो ना बारिश हो जाएगी कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो आपको ये फिगर्स किसने शेयर किए, पर जो एक बड़ा अच्छे लेवल का मैनेजर है ना, जो मिड मैनेजमेंट के ऊपर होता है, दैट पर्सन मेक्स 150,000 रुपीज पाकिस्तानी। सो ये 1-1.5 लाख रुपए जिनको आप कह रही है ना कि वो जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज के लोग हैं,
मे बी उनको वो फ्रेश स्टार्ट ये मिलता हो, पर ये 10 साल तो या 5 साल काम करने की बात कर रही है जो बाहर से पढ़ के आए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप एकेडेमिया को तो खुद से देख नहीं दिया, एंड यू बीन एन अर्जेंट फैकल्टी मेंबर एज वेल, और आप खुद पढ़ाती भी रही हैं, और आप पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन को बड़ी क्लोजली आपने वॉच किया है. वो कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी, आए आके बात करें. आप लोगों ने उसको भी हेट स्पीच के अंदर बहुत ज्यादा रगड़ा, उनके हॉस्पिटल को भी अपनी सियासत के अंदर आप लोगों ने खूब रगड़ा लगाया. अब पर सिर्फ ये बताएं, लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, कुछ तीन ऐसे प्रोजेक्ट बताएं. मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ, असल में बात ये थी कि आपने एक बहुत बड़ा इशू जो आजकल वो जो कहते हैं ना खौफ तारी हो जाता है, ब्रेन ड्रेन सब छोड़ के जा रहे हैं, पेयर प्रेशर हमें भी जाना चाहिए, ये आई वॉन्टेड टू टैकल दैट प्रॉब्लम कि ये चीज इट डिडंट हैपन ओवरनाइट. ये वो लोग नहीं है कि जो, और सेकंडली टू माय यूथ, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं जा रहे, इन्होंने जाना ही था. मैं ये नहीं कह रही कि सारों ने कुछ इन्फ्लेशन की वजह से कुछ पैनिक अटैक्स, दिस इज व्हाट आई वांट द क्लैरिटी विद इन द यूथ दैट एक तो इट डिडंट हैपन ओवरनाइट, सेकंडली थिंग्स आर नॉट ग्रीनर. वो कहते हैं ना ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर, बाहर जाके और हमारी कॉम का ये है कि बाहर मैकडोनल्ड्स के वॉशरूम भी धो लेंगे तो बस हम बाहर की नौकरी कर, ठीक है ना? लेकिन यहाँ मेहनत नहीं करनी, यहाँ स्ट्रगल नहीं करनी, ऐसे भी इसमें भी येट अगेन फिर हमारा कसूर है, मीडिया पॉलिटिशियन, कि हमने कल्चर ही ऐसा डेवलप नहीं किया, इतना एहसास-ए-कमतरी है. दिस इज वाई आई वांट टू क्लैरिफाई दिस टू द यूथ कि यहाँ अपने मुल्क में चाहे थोड़ा खा लो, आपकी एक पहचान है, पाकिस्तान इज योर आइडेंटिटी, यू नीड. वो कहते हैं ना कि जब व्हेन थिंग्स गेट टफ, वो कहते हैं द रैट स्टार्ट जंपिंग आउट ऑफ द शिप, इस शिप को सिंक होने से हमने ही बचाना है. अच्छा चलें, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन मैन शो. जितनी भी आपकी पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज हैं, तो तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब में वन मैन शो है. वन मैन शो मींस वन फैमिली शो है, एक का सक्सेसर. क्या आप जो है कभी बुशरा बट जो है वो मरियम नवाज शरीफ की जगह ले सकती हैं? अच्छा मुस्तफा, ये आपने बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन किया, और मैं यहाँ पे भी एक क्लैरिटी लाना चाहती हूँ कि मैंने खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से एक चीज देखी है. अभी जो हमने, मैं भी इस चीज को सोचती थी कि ये क्यों हर कोई सवाल करता है, तो क्यों नहीं लीडरशिप इसके ऊपर उनके कान पे जो एड्रेस कर. जब ये पिछले दिनों, जब 4.5 साल के बाद, जब आखिरी कुछ दिनों में वोटिंग का एक सिलसिला चल रहा था, बड़ा गहमा गहमी थी और सारा कुछ था, तो उसमें बड़े नाम आ रहे थे. अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल. अब सियासत में एक हल्का बंदी और एक बरादरी सिस्टम है, और हर एमपीए के साथ एक 10 या 15 साल लॉबियंग के बगैर सियासत नहीं होती. हर एमपीए के पास 10 बंदे हैं कि ये हमारी लॉबी है. जब मैंने बरादरी की, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ऑब्जर्वेशन, जब बात आती थी कि सीएम का नाम हमजा साहब से अलग, हमजा साहब को हटा के किसी और कैंडिडेट का नाम आता था, अचानक ग्रुपिंग हो जाती थी पार्टी के अंदर. वो कहता था मेरे पास 15 एमपी है, वो कहता था मेरे पास 20 एमपी है, वो कहता था मेरे पास 10 एमपी है. कंफ्यूजन मच जाती थी कैंडिडेट्स पे. जब हमजा साहब का नाम आता था, सारे यूनाइट हो जाते थे. जो बुशरा बीबी है, उनके बारे में जो बातें आप लोग करते हैं, ये इंडियन मीडिया भी यही बातें करता था कि तस्बीह, जादू, टोना. ये जो कुछ हुआ है, द अमाउंट ऑफ हेट स्पीच, और अगर आप नेगेटिव सोशल मीडिया ट्रोलिंग, मैं इसको निगेट करती हूँ. मैं आज मैं, अगर आप देखें कि मैंने कभी भी किसी के बारे में बिलो द बेल्ट कमेंट नहीं दिए, एंड आई, और इससे मुझे नुकसान क्या हुआ कि बहुत सारे सियासतदान आगे निकल गए, बहुत सारे सियासतदान के अंदर आगे निकल गए, क्योंकि वो हार्ड हिटर्स नहीं, आप हार्ड हिटर नहीं है ना. आई स्टूड बाय माय स्टांस, अच्छा लगे बुरा लगे, दिस इज मी. एंड मेरे लिए अगर आप मजहब की बात करते ना, तो किसी पे तोहमत लगाना मेरे ख्याल से इज नॉट पार्ट ऑफ अ रिलीजन, ठीक है ना. और एज अ पर्सन इवन, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप जस्ट, और आपका इंटेंशन क्या है कि ओ आई गेट वायरल, ओ मुझे बहुत शाबाश मिलेगी से, हमारे साहब का फर्स्ट लेडी के ऊपर जादू के हिसाब से इंतजाम लगते रहे, क्या आप उसको सपोर्ट करती हैं, या आप उसको कहती हैं कि दिस इज देयर पर्सनल लाइफ, आई डोंट हैव एनी ओपिनियन. यू सी मुस्तफा, इट्स नो लॉन्गर देयर पर्सनल लाइफ. इफ इट कम्स, इफ प्रूफ तो नहीं है ना, कोई ऐसी चीज नजर तो कोई नहीं है. इफ इट अफेक्ट्स माय कंट्री, if it affects my country, if it affects the running of my country, aur wo bhi in cheezon ke upar, aur main apne prime minister ko shirk karte dekhti hu, biddat karte dekhti hu ki wo mizaron pe ja ke, that is not a sajda, usko
एडिट इस तरह कर दिया गया था कि वो लग रहा था कि सच था, दैट वाज नॉट एन ओके मुस्तफा, देन दैट्स योर थिंकिंग, बट जो ऑप्टिक्स हमें नजर आ रही हैं, जिसे आपने भी कहा था कि किसी के भी सेक्ट के ऊपर, किसी के भी दीन के ऊपर आप बात नहीं करती, पर जब ये फर्स्ट लेडी, साबका फर्स्ट लेडी के ऊपर बात होती है, डू यू सपोर्ट दैट नैरेटिव? और आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा मुझे बैशिंग होती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बैशिंग ऑन बोथ एंड्स बहुत हुई है, एंड आई एम अगेंस्ट हेट स्पीच, आई एम अगेंस्ट दिस नेगेटिव. और मैं उस टाइम भी कहती थी ये डोमिनो इफेक्ट होएगा, ये खाली सियासत तक नहीं रहेगी. आज हमारे यूथ में अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनटॉलरेंस, मजहब को देख ले, आज आज आप हर अभी ये जो उस उधर विद क्रिश्चियन कम्युनिटी सारा कुछ हुआ है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना. तो मैं यही बात करती थी कि ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाएगी और ये सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहेगी, इट विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट, हर चीज के अंदर आप वही देखेंगे. और अब देखने में मिल रहा है, अब वो यूथ आपने वर्गला तो ली, उसको आपने एक होप दी, एंड एक डिसइल्यूजनल आपने उसके सामने नया पाकिस्तान बनाया, और उसके बाद आपने उनको अपने सियासी उसके मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और आज वो यूथ ये डोमिनो इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं. सो आप डू यू एग्री विद दिस के जो लीडर्स होते हैं, जो आपके पॉलिटिशियन होते हैं, पीपल हु आर ऑन एन इंपॉर्टेंट पोजीशन, उनका इंपैक्ट होता है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है माशरे के ऊपर? मतलब अगर आप हेट स्पीच करेंगे तो वो ट्रिकल डाउन होगा और आपका माशरा जो है कुछ अरसे के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा रोडों के ऊपर, और वो मतलब उसमें बर्दाश्त नहीं होगी ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए. वो ऐसे पॉइंट पे जब वो हार रहा होगा तो वो आपके साथ जातियात के ऊपर उतर आएगा, और किसी भी कॉन्वर्सेशन के एंड अगर मैं आपकी जातियात पे या मेरी जातियात पे उतर रहे हैं, so we cannot have an conclusion at the end of the conversation. देखो egoistic war चल गई है, अब उसको deny नहीं करना from every party. चलो आप लोग दिल बढ़ा के ना उन सबको माफ करते हैं, उनको समझेंगे, वो वीडियो भी तो देते हैं ना, जारी करते हैं कि जी मैं पीटीआई के गर्ल ट्रेंड्स के ऊपर बहक गया था, उन सारों को जिसको अंदर डाला है, ना कोर्ट एनीमोर, उन बेचारों को आप रिक्वेस्ट करें, उनको अपील करें, डोमेन उनको आजाद करें. द वंस दे इंसल्टेड, द वंस दे डिसरिस्पेक्टेड, उनके कोर्ट में बात. जब आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग इसी को कहते हैं ना, कि जब हम इस बात पे एग्री करते हैं कि पीटीआई ने सोशल मीडिया को टूल के तौर पे यूज करके लोगों को ब्रेन वॉश किया, हम इस पे तो एग्री हो गए, कंक्लूजन निकला है कि ये जो बंदा एक्ट कर रहा है ये ब्रेन वॉश्ड हुआ है, इसको हकाइक नहीं पता. मतलब मैं आप लोगों की हालतें देख रहा था कि आप लोग टीवी के ऊपर सोशल मीडिया पे कोई बात करते थे तो नीचे आके लोग इतनी बैशिंग करते थे कि आपकी बात का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता था. अब चीजें दोबारा से कुछ न्यूट्रलाइज हुई हैं, कुछ सच सच नजर आ रहा है, काला काला नजर आ रहा है, सफेद सफेद नजर आ रहा है. सो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम इस बात पे तो एग्री कर गए पार्शली कि वो बंदा जो है ब्रेन वॉश था, तो कुछ उस बेचारे के लिए कुछ मतलब कि थोड़ी सी नरमी भी की जा सकती है. बिल्कुल, व्हाई नॉट, एट द एंड ऑफ द डे हमारा यूथ है, हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, हमारे सिटीजंस हैं, तो वो हमारे ही ना हैं, तो हमारे ही ना. अपार्ट फ्रॉम के वो पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को करते हैं, हैं तो पाकिस्तानी. वही बात है ना कि मैं आपको बात बताऊं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब तक वो पार्टी तक, नून लीग तक या पीपल्स पार्टी तक महदूद था, वो कहां एक्सट्रीमिज्म कहां तक पहुंच गई. मरियम औरंगजेब को देख लें, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ. नहीं, उस पे तो देयर इज एन ओपिनियन. ये कैसे होता है वैसे, जस्ट एक मेरे बात समझने के लिए, कि जो मरियम औरंगजेब के साथ लंदन की स्ट्रीट्स में होता है, मतलब कि वैसे ही लोग जो है वो हिना परवेज भट्ट को भी बैश करते हैं और वो झंडे लेके निकले होते हैं, उनको पता होता है कि हिना परवेज भट्ट यहाँ पर आके एटीएम यूज करेगी, मरियम औरंगजेब साहबा इस कॉफी शॉप से कॉफी पिएंगी, वो झंडे लेके ग्रुप बना के निकल के आते हैं. देयर लॉट ऑफ पीपल उसे कि सीसीटीवी निकालें, ये इनके अपने लोग होते हैं जस्ट टू गेट वायरल. और लोग जब देखे ना, जब आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, जब आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, जब आप अपनी पार्टी लीडरशिप के सामने यू नो आप चाहते हैं कि मैं मेरी कोई वीडियो चली जाए, मैं नोटिस हो जाऊं, तो बड़ा शांत तरीके आप तो नोटिस होने का, आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है. चार जो है पेपराजी हायर करें, ये जितने भी आपके इंडियन एक्टर्स हैं, तो जो वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, एयरपोर्ट लोग उफ आ पेपराजी, दे कैन हायर देम, ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग, देयर आर एजेंसीज, बिल्कुल, आई एम श्योर ऐसा होता होगा, इंटरनेशनल, आई एम श्योर ऐसा होता होगा. मना आपको लगता है कि लोग कोई मतलब किसी को कैसे पता चला कि मतलब चले शाहरुख खान और ये तो बड़े स्टार्स है ना, कि जो मतलब के स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं वो फ्लैश शॉक ऑफ शॉप में निकल रहे हैं, फुल रेडी होके निकल रहे हैं, रात को 4 बजे की फ्लाइट है, तो किसी को कैसे वहम आएगा कि इसकी 4 बजे की फ्लाइट है, लोग खड़े हैं. अच्छा, अब ये तो इंसिनुएशन है ना, ये तो आई एम श्योर करते होंगे जिनका मैं देखे, मेरी बात सुने, ये एक ऐसा कीड़ा हमारे सोसाइटी में आ गया मुस्तफा, और गेटिंग वायरल ओवर नाइट, गेटिंग फेमस ओवर नाइट. और ये मैं अपने ये जो यूथ है उससे भी बात करना चाहती हूँ कि ये हमारा बड़ा मेंटल हेल्थ की भी इशू आ गए, बिकॉज ये टिकटॉकर्स
ये दे विल गो टू एन एनी एक्सटेंट टू गेट वायरल, इट्स नॉट जस्ट सियासतदान। मैं अभी देख रहा था एक टिकटॉकर से आपने बात की, वो उसने घोड़ा कोयटा की सड़कों पे, वो बंदा घोड़ा दौड़ा रहा है और वो कोई 50 साल का बंदा है पठान, और वो वन वे घोड़ा दौड़ा रहा है, उसकी ना पीछे लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। वो पहली गाड़ी वाला बचा, रिक्शे वाले ने ना, एक रिक्शे के पीछे रिक्शा था, रिक्शे वाले ने रिक्शा इमिडिएटली साइड पे किया, तो पीछे रिक्शे वाले को नजर नहीं आया, वो जाके लगा है, और उस बेचारे घोड़े की टांग फ्रैक्चर हो गई उस बेवकूफ को तो, और ओनली इंटेंट को पकड़ा गया, उसकी स्टेटमेंट आई है तो वो कहता हम तो वायरल हो रहा था। You see, this is the state of mind आजकल। तुर्की का जो हीरो है, उसको लगाया हुआ था, उसका गाना पीछे लगाया हुआ था वायरल बनने के लिए। You see, मुस्तफा, ये एक ऐसी बीमारी हमारे माशरे में आ गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 10 साल मुझे सियासत में हो गए, मुझे कभी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दो सियासतदान जो ट्विटर पे बहुत कम वायरल, मतलब बैश होते हैं, ट्रोल होते हैं, और अगर मैं कभी गलती से हल्का सा गुस्से वाला कुछ बिलो द बेल्ट के पास पास वाला कमेंट लिख भी दूं ना, तो मुझे नीचे मैसेज आता है, मैडम दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। नहीं, ये ठीक है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बनाई है आहिस्ता, शायद मैं पार्टी में बहुत आगे ना हूं, लेकिन मुझे एज बुशरा भट आई फील के आई मे इंस्पायर फ्यू पीपल, ठीक है ना, टू ज्वाइन दिस पॉलिटिक्स, जो मेरा मकसद था। आई थिंक बहुत कम पॉलिटिशियन जिनका फुटप्रिंट जो है ना लोगों के ऊपर होता है, अपने फॉलोअर्स पे, अगर तो आप उनमें से हैं हु कैन लीव एन फुटप्रिंट, और टीचर्स जो हैं, वो जो मेंटर्स होते हैं, उनको तो बिल्कुल, मैंने क्योंकि मेरे ज़हन में एक ऐसी चीज थी कि मैं एक उस्ताद हूं, ठीक है, और मेरा मकसद यहाँ आने का ये फेमस नहीं होना था, मेरा मकसद कोई काम करने का था, मेरा मकसद था कि हमारे यूथ को सियासत की तरफ उसका रुझान करें। हालांकि ये 4.5-4 साल के अंदर मैं बहुत ज्यादा आई फेल्ट कि आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ एंटरिंग पॉलिटिक्स, बिकॉज मुझे लगा था पढ़े लिखे लोग आएंगे, माहौल की तब्दीली होगी, और इसी वजह से हमें बुलाया गया है, इसी वजह से हमें इनवाइट किया गया है सियासत में आओ, ताकि हमारा यूथ भी इसका हिस्सा बने। आपको जब पता चलेगा, जब अगली निशस्तों पर जो लोग बैठे हैं, जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोगों से भी एक्सपेक्टेड है कि वो यही जुबान इस्तेमाल करें, यही गुफ्तगू करें, यही आपकी आप द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं आपको बता नहीं सकती मुस्तफा के क्या गलाजत थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो बाहर तो टॉक शोज पर तो ये डिमांड होती है, तो मैं बहुत ज्यादा स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ये तो मैं यहाँ तो बेइज्जती भी साथ साथ, और आप मुझे देखें जो हिना के साथ हुआ मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था, बिकॉज मेरा भी एक बेटा है, और पहली दफा मेरे हस्बैंड ने मुझे मुड़ के देखा, अगर माय सन्स नेम इज कुबलाय, सेड के कभी तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी हो जाए कुबलाय के आगे, सो यू नो इट वॉज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी एज अ मदर कि मेरे बेटे के सामने मेरे से कोई इस जबान में बात करे, तो have I made the right decision? Yeah, but I think I've traumatized now. Okay, there was no police came on the scene, or nobody made any calls. बस वो video viral हुई. CCTV footage देखी है लोगों ने. कोई police को report नहीं की गई. अगर आपको कोई बंदा, आप इतने बड़े घराने से हैं और आपको कोई road पे इस तरह करे, you will not even make a phone call. Okay, so, that's your take on it. Note, we are going on a short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट हेट स्पीच, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जब ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कचरा कहते हैं औरतों को, तो क्या इन्होंने कभी इत्तेजाज किया है? तलाल चौधरी साहब जब पीटीआई की रुकन को कहते हैं कि आपका मुझे करियर पाथ पता है, आप कहाँ से आई हैं और मेरे भी पीछे आप लगी हुई थी, जब सेक्सुअली उनको कॉमेंट करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी को ब्रिंक डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उसके ऊपर कभी पार्टी में इन्होंने इत्तेजाज किया है? वी गोइंग टू कम बैक After this short commercial break. Top tier party leadership की तरफ से शबाशरी साहब की तरफ से हमदा शबाश का जिक्र कर रही, कभी उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं किया गया कि रात को तुमने प्राइम टाइम पे क्या हरकतें की हैं? अगर कोई ज्यादा पार्टी का जो सेकंड टियर लीडरशिप जोश जलाने के लिए कोई इस तरह की गलत बात भी कर देता था, तो हमजा साहब वुड करेक्ट देम। नहीं, फिर वो मरियम साहबा फिर फंड भी तो बांटती है ना, अगर वो बंदा मिर्चे मसाले ना डाले तो फिर चैनल को फंड भी नहीं आते। अगर आपने मेरे लीडर्स, मेरे टॉप लीडरशिप की बात की कि मर्द हजरात ऐसी बात करते हैं, तो वो क्या सही है? नहीं, बिकॉज उसका एंड ये हुआ कि जो 9 मई वाला वाक्या है, दैट वाज द एंड रिजल्ट। यस, वेल
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट बुशरा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, जाने से पहले आई वाज जस्ट टेलिंग के हेट स्पीच की हम बात कर रहे थे, सो व्हाट डू यू थिंक, जब आपकी अपनी पार्टी लीडरशिप इस तरीके की कॉमेंट्स पास करती है कि जो कि कॉमेंट नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी मौजूद होते हैं, फिर वो रिपोर्टेबली सारा मीडिया भी उसको दिखाता है, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका एहतजाज किया? बिल्कुल मुस्तफा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आई एम अ वुमन फर्स्ट, और चाहे मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, आई स्ट्रांगली कंडेम सच, जो कहते हैं ना हमारा जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, हमारे लिए माशरे में अगर हम औरतें जो हैं लेजिस्लेटर, ये सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर हमारे साथ इस तरह की बदसलूकी हो रही है, तो हम जो बाकी खवातीन हैं उनको माशरे में किस तरह वो कहते हैं ना एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारा सैडली जो हमारे मर्द हजरात है, उनकी थिंकिंग इस तरह की है कि खवातीन को सबसे ज्यादा इजी चुप कराना है कि उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दे, ठीक है, कैरेक्टर बैशिंग शुरू कर दे। तो मैं मजम्मत करती हूँ, चाहे ये मेरे ही पार्टी के मर्द हजरात है, कि जब आप एक औरत पे उंगली उठाते हैं या उसकी कैरेक्टर बैशिंग करते ठीक हैं, ठीक है, तो उससे ज्यादा गंद आप पे गिरता है। बिल्कुल ठीक है, देखने वाला आपको देख रहा होता है, क्योंकि आपकी आपकी तरबियत जो है वो सामने वो होती है कि आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है। तो मैं चाहे मेरे पार्टी के मेंबरान, चाहे किसी पार्टी, और यस मुस्तफा वी हैव टू फेस दिस और विद इन द पार्टी एज वेल, मैं कहती हूँ कि खवातीन जो है हम लोग, और हर वर्क स्पेस का ये एक कल्चर है कि जो मर्द हजरात हैं वो समझते हैं कि एक स्लीजी कमेंट, एक जोक पास कर देना औरत को अनकंफर्टेबल करना, और खास तौर पे व्हेन दे सी वुमेन प्रोग्रेसिंग, और वो समझते हैं कि अगर ये जिंदगी में कहीं पे किसी मुकाम पे है तो जरूर इसकी कोई ना कोई गलत वजह होगी। इस कल्चर को हमें चेंज करना है। आई एम द मदर ऑफ अ सन, मैं कहती हूँ मैं अपने बेटे के अंदर आज से कि किस तरह एक औरत की इज्जत करनी है, चाहे वो जो गलतियां करे आपके मुंह से उसके लिए इस तरह की जबान नहीं निकलनी चाहिए, बिकॉज आप अपनी तरबियत दिखा रहे हैं। तो यस, एज अ वुमन आई ऑलवेज स्टैंड बाय द फैक्ट दैट अगर किसी भी औरत की बेहुरमती हो रही है या उसके लिए ऐसे जबान इस्तेमाल की जा रही है, तो मेरा ख्याल है मेरे लिए वो आदमी काबिल इज्जत नहीं है, चाहे वो जो भी हो। सो अगर जो आपकी खवातीन मेंबर्स इस तरह की बातें करती हैं, तो उसके ऊपर कभी बात? मैं अगर ये कहूँ कि पिछले 4.5 साल या पिछले 8 साल 9 साल, अगर इफ वी लेबल इट एज द डार्क एज फॉर पॉलिटिक्स फॉर पाकिस्तान, बिकॉज मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि हर तरह से वो कहते हैं ना कि देखा देखी कंपटीशन, और क्योंकि जी क्या होता था, मुझे हमेशा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मुझे बहुत दफा क्रिटिसाइज और बहुत दफा कहा भी गया है कि आप पार्टी का मौकफ नहीं बयान करती टीवी पे आके, तो मैं कहती थी कि मेरे बात करने का अंदाज शायद ऐसा है कि कल को ट्विटर पे हैशटैग चल जाएगा कि इसकी तो चित्रौल हो गई, तो जो धीमा बोलेगा, जो तमीज से बात करेगा, उसकी बात में दम नहीं है। यू हैव टू बी अग्रेसिव, यू हैव टू बी बदतमीज, यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना, ये हालात हो गए थे। तो मैंने कहा मैं पार्टी के लिए शायद नुकसानदेह हूं, किसको नहीं चाहिए स्क्रीन टाइम, किसको नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी, सब कहते थे कि जी पढ़े लिखे लोग, मैंने कहा आप लोगों को पढ़े लिखे मौकफ नहीं चाहिए, लेट मी करेक्ट दिस, ये हमारा ख्वाब था। ये तो फिर आपको आगे से जवाब क्या आता था? तो वो ये कहते थे नहीं आप फिर आप पार्टी के लिए काम नहीं सही तरह हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कभी हमें पार्टी लाइंस ये नहीं बताई गई थी, लेट मी करेक्ट यू, नेवर डिड हमजा साहब, शबाज साहब, कभी भी हमें नहीं कहा कि आपने अग्रेसिव बदतमीज बयानात देने, इट वाज नेवर पार्ट ऑफ द एजेंडा। ये तो वो कहते ना वो वफादारी दिखाने के लिए कुछ लोगों ने अपना वो बना लिया कि हम उनके उस पे आए, अब वो देखा देखी करते करते वो बात यहां तक पहुंच गई कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आ गई, और वो गलाजत दोनों तरफ से, कभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से, टॉप टियर पार्टी लीडरशिप की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमदा शहबाज का आप जिक्र कर रही, कभी उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं किया गया कि रात को तुमने प्राइम टाइम पे क्या हरकतें की? मुस्तफा मैं दूसरों के बिहाफ पे नहीं बात कर सकती, मैं सिर्फ अपनी बात, मीटिंग में कभी कोई ऐसी चीज एजेंडा? बिल्कुल भी नहीं, और बल्कि नहीं, आप ये कह रही हैं कभी भी उन लोगों को रोका नहीं गया कि यार ये क्या कर रहे हो? मेरी वो इंस्ट्रक्शन, हालांकि आई नो अ लॉट ऑफ पीटीआई पीपल जिनसे वजारतें ले ली गई क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अग्रेसिव नहीं है, और ये उनके मुंह से बात है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हमारे यहाँ ये था कि जब हम हालांकि होटल में जब
इतने इतने दिन हम लोग को रहना पड़ा और बड़ी एक अजीब सी एक सूरत हाल बन गई जो पाकिस्तान में कभी हमने नहीं देखी थी इस तरह से हॉस्टाइल वाली। सारे बैठे हुए, अगर कोई ज्यादा पार्टी का जो सेकंड टियर लीडरशिप जोश जलाने के लिए कोई इस तरह की गलत बात भी कर देता था तो हमजा साहब वुड करेक्ट देम, खासतौर पे बुशरा बीबी के बारे में कि ये हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है इस तरह से आप एक खातून को। तो ये मैंने खुद देखा, जो मैंने देखा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सेकेंडली मैं ये बात तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हमजा साहब का जो कंट्रोल पार्टी के ऊपर नहीं है क्योंकि वो रोक तो नहीं पाए, लोगों ने फिर भी गलाजत बोली, इनकी टॉप लीडरशिप ने गलाजत बोली और हैशटैग चलाए, ट्रेंड चलाए सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ। आप मैं, मेरा एक और रीजन ये है कि करंट अफेयर्स के ऊपर खासतौर पर एज अ पर्सन देखो आप कितनी देर अपने आप को काम एंड कंपोज रख सकते हो जब आर्ग्यूमेंट्स पर्सनल हो जाती हैं। लाइक बहुत टाइम पे मैंने ये देखा है जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा बिकेम वेरी पर्सनल विद हिना और बहुत सारी पर्सनल बातें उन्होंने कर दी और फिर उसके ऊपर उसका रिएक्शन आया, वो चीखी चलाई। तो मतलब मैं कभी ये सोचती हूँ कि शायद यही वजह है कि मैं कितनी देर काम एंड कंपोज रह सकती। फिर वो मरियम साहबा फिर फंड भी तो बांटती है ना, अगर वो बंदा मिर्चे मसाले ना डाले तो फिर चैनल को फंड भी नहीं आते, वो न्यूज चैनल जो प्राइम एंकर पर्सन है उनको बड़ा प्रेशर है चैनल का। आपने बहुत दफा जो है ना वो इस तरह की वो बात कर दी कि आपके पास प्रूफ है, वो मतलब साफ साफ बता रही है कि इसको ये करना है। नॉट वन पर्सन नॉट वन पार्टी बट उसका अब खमियासा, उसका हम जो एंड रिजल्ट है वो देख रहे हैं एंड इट्स नॉट गुड। सो एवरीबडी नीड्स टू फिक्स देमसेल्व्स। अगर आपने मेरे लीडर्स, मेरे टॉप लीडरशिप की बात की कि मर्द हजरात ऐसी बात करते हैं तो वो क्या सही है? नहीं। अगर मरियम बीबी करती हैं आउट ऑफ वट एवर रीजन्स इट्स नॉट राइट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स हैपनिंग इज उसके रिजल्ट्स जो हम देख रहे हैं, चाहे पीटीआई ने वो स्टार्ट की अग्रेशन, हमें शायद उस तरह से वापस रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था बिकॉज उसका एंड ये हुआ कि जो 9 मई वाला वाक्य है that was the end result. Yes, that was it the had end to blast. और वो नजर आ रहा था वो aggression, वो calm. But I think आपके अंदर जितनी जुरत है और जितनी जुरत से आपने इस चीज को एड्रेस किया है, so I'm going to you know not further talk about this क्योंकि आपने बहुत जुरत का और आपने वाकई बताया कि you're a good mentor, you're a good teacher और आपने अपने stature को जो है वो live up किया है क्योंकि आपने एड्रेस करके, नाम लेके एड्रेस किया। अब अगर कोई भी इसको करे इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो पार्टी लीडरशिप है, वो सेकंड टियर है, वो फीमेल लीडरशिप है, वो इलेक्टेड लोग आए हुए हैं, मुझे ओनली प्रॉब्लम है इसके जब आप सिलेक्टेड जो जो के एक वोट लेकर आया हुआ है उसके साथ जब रिजर्व सीट का का मेंबर बैठ के उसको बैश करता है ना या उसको उसका चेहरा दिखाता है तो उसके पास फिर और कुछ करने के लिए होता नहीं है और वो उसको अटैक बैक करता है कि तुम्हारी क्या स्टैंडिंग है, मुझे पता है तुम कैसे हो, और रिजर्व, और उसने क्लीशे बना दिया है रिजर्व सीट को कि खुदा ना खासा गॉड फॉर बिडन बना दिया कि गॉड फॉर बिडन कि वो करियर पाथ ग्रे है। हाँ। और उस किसी और को मतलब कि किसी काउच के थ्रू गुजर के खुदा ना खासा जो है ना उन मेंबर्स को गुजर के आना पड़ता है। एंड आई थिंक इस तरह नहीं होता, वो जो थिंक टैंक डायलॉग्स वाले लोग होते हैं जिनकी सोच होती है, इंपैक्ट होता है, वो उससे आते हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये एक बात रिजर्व सीट्स के हवाले से भी क्लैरिटी, बिकॉज इस पर बड़े डायलॉग्स होते हैं कि इनको बड़ा रेडिक्यूल किया जाता है, इनको इजी सीट समझा जाता है, इनको ग्रे एरिया सीट्स कहा जाता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज अगर बुशरा बाट या फिर कोई और पढ़ा टेक्नोक्रेट जो है वो सियासत में कभी ना आए जब तक ये रिजर्व सीट्स ना। मेरा कोई हल्का नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं कभी इलेक्शन लड़ना, और अगर मुझे कभी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया भी जाए मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं मैं कभी नहीं लड़ूंगी। व्हाई? बिकॉज अगर मैंने इलेक्शन लड़के आई तो मैं सारा वक्त किसी की बिजली का बिल, किसी की नालियां, ये काम जो के लोकल बॉडी के हैं। पाकिस्तानी अवाम को एक बात समझनी है कि एक एमपीए जो है एक लेजिस्लेटर का काम लेजिस्लेशन का है, लॉ बनाने का है। आई थिंक दोनों होने चाहिए ना, एक आप विजनरी लोग भी होने चाहिए जो विजन के ऊपर तो बात करें। विजनरी लोग अगर रिजर्व सीट्स नहीं होंगे तो कैसे आएंगे? अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के अंदर फंसे रहेंगे तो वो विजन के ऊपर तो उनको पूरा दिन ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन में गुजर जाएगा। पॉलिसी मेकिंग कौन करेगा? देखो ठीक है, टोटली अंडरस्टैंड। कमिंग टू दी माय फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने एक अपने बिल्टअप के अंदर ही बात किया था कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो है, शब्बर जैदी साहब टीवी पे बैठते हैं डिप्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, हालांकि ये उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे जिस टाइम पे सारी चीजें खराब हो रही थी, बट ही हैड नेवर स्पोकन अबाउट इट। पर मैं अभी आर्मी चीफ साहब जो हैं वो मिले हैं लाहौर के और कराची के सियासतदानों, उसको
बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी को उसके पास बहुत होप नजर आई है, और हमें नजर आया है कि सोने के अंदर आपको 24-25 हजार रुपए का एकदम से डिप आया है। डॉलर जो है जो पकड़ा नहीं जा रहा था उसको रिवर्सल लगा है, और कुछ ना कुछ जो है अब नजर आ रहा है कि कुछ चीजें जो है थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन। आई डोंट केयर कि वो पॉलिटिशियन को मौके दिए, बहुत सारे मौके दिए एंड दे मेस्ड अप लाइक एनीथिंग। उन्होंने पाकिस्तान को लाके इस दहाई पे खड़ा कर दिया कि अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो 30% पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और अब अफगानिस्तान जो है ना ऑल द स्मगलिंग फ्रॉम आर, मैं वही बात yes. मुस्तफा, आज मैंने एक बड़ी अच्छी कही पढ़ी आपने अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान इतना ही बेहतरीन हो गया हुआ है तो जो ये सारे हमारे पास मुहाजर आए हुए अफगानी जाएं वापस, तो वो वापस क्यों नहीं जा रहे खान साहब ने जिनको देखो बहुत बहुत सारी बात है कि एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी होता है कि पाकिस्तान को इतना डीमोरलाइज कर दो, मुश्किलात बहुत है। बट अगर आज आप मुझसे बात करते हैं, मैं बात एज अ सियासतदान नहीं कर रही, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, छोटी सी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, किसी माँ का बच्चा गलत तरफ चल पड़े और उसमें बहुत सारी खामियां आ जाए, वो माँ कभी गिव अप नहीं करेगी, वो कोई ना कोई हरबा करके वो चाहेगी कि किसी तरह मैं बच्चे को बचा लूं, पर उसके हरबे काम नहीं आते। For me, my country is like that. नहीं आते। अगर आपने अब एज अ पॉलिटिशियन अपने आप को पाकिस्तान की माँ कहे ना, इस मुल्क को जब भी माँ नहीं कहा मुझे, मेरे मुल्क को मैं समझ गया, हमने पाकिस्तान को बच्चे के तौर पे तशबीह दी है ना, तो मुझे तो लगता है कि द ओनली ग्लू जिसने इस मुल्क को इंटैक्ट रखा हुआ है मुस्तफा, वो ही है जिन्होंने अभी डॉलर रिवर्स करवा लिया है, वो ही करवा लेते हैं जो भी करा रहा है। मैं जो काम पूरा आपके ना इस इंटरव्यू का मैं आपको एक वो कहते हैं ना जिस्ट बता रही हूँ, अबाउट ब्रेन ड्रेन, अबाउट इनटॉलरेंस, अबाउट हेट स्पीच, उस सबको मैं एक उसमें ला रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि पूरी फैमिली मिलके जैसे उस बच्चे को ठीक करती है, उसी तरह हम सबको एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हर चीज हर नेगेटिव बात को लेके, अब आप अफगानिस्तान की बात करें, वाजी वाह अफगानिस्तान कहां पहुंच गया, इतना ही अच्छा हो गया। नहीं, मैं वाह वाह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये हमें दान दिखा रहे हैं कि नो मुस्तफा, दान दिखा रहे हैं तो पहले अपने बंदे लेके जाएं, दान दिखा रहे हैं तो हमारा डॉलर जो स्मगल हो रहा है वो वहां से बॉर्डर जो है उनको सील किए जाए। हो रहे ना, आज डॉलर किस तरह काम हुआ है, वहां के सारे आपने सील किए, चीनी सारा वहीं स्मगल हो रही है, तो हमारे रिसोर्सेज लेके अगर वो तगड़े हो रहे हैं तो मतलब ऐसी कोई, ये सब जो है ना ये मायूसी फैलाने वाली बातें, यही सारा एजेंडा है, यही सारा। पर आप किसने देखती हैं, आपको क्या? मैं आई एम वेरी होपफुल, ठीक है, मुझे लगता है कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमने बहुत, मैं आज एडमिट कर रही हूँ आपसे कि हमने बहुत बुरा टाइम देखा है, पर बहुत बुरा टाइम गुजर गया। वो कहते हैं ना कि देयर इज वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वी आर देयर, बट हम सबको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर हमें अपनी मुल्क की खातिर सुबह 7 बजे उठ के दुकानें खोलनी है तो हमने खोलनी है, और हमने 9 बजे बंद करनी है तो करनी है, और रात को डिनर करना है तो 9 बजे करना ही करना है, तब हम नहीं कहेंगे ओ हो ये तो हमारे स्केड्यूल के मुताबिक नहीं है। एवरी वन हैज टू पुट देयर पार्ट, और जो हमारी बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ओवरनाइट ये जो डिजिटलाइजेशन है, ये इसकी अच्छाइयां तो बुराइयां भी हैं, ये ओवरनाइट फेम और ओवरनाइट पैसे कमाने के चक्रों में जो है ना, हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं लाइफ में, देर आर नो शॉर्टकट्स। वक्त के साथ साथ चीजें आहिस्ता आहिस्ता अच्छी लगती हैं, बढ़ती हुई, उससे एक्सपोजर आता है, आपकी पर्सनैलिटी में ठहराव आता है। अगर आप ओवरनाइट फेमस होने के चक्रों में, वो आपकी पर्सनालिटी में वो फ्लॉज नजर आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह बात करते हैं डिग्री, मतलब ऑनलाइन आप नहीं ले सकते, आपने वो 4 साल जाना है यूनिवर्सिटी में, वो एक स्ट्रगल है। अगर वो स्ट्रगल आपकी हुई भी होती है तो आपकी पर्सनालिटी वेल डिफाइंड होती है। एग्जैक्टली, आप अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगी कि राइट नाउ आवर कंट्री विच इज आवर आइडेंटिटी, यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड मुस्तफा, लेकिन जैसे जहाज लैंड करता ना पाकिस्तान में, वो एक फीलिंग आती है कि यस यू बिलोंग है। 10-15 दिन के बाद आपको पाकिस्तान स्टार्ट कॉलिंग यू बैक, वही वाली बात है ना, और आप कुछ नहीं है पाकिस्तान के बगैर। और ये जो आपको बाहर के दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, बाहर के मुल्कों में रुल जाते हो आप। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यंग पीपल कि जिन्होंने डॉलर, अगर किसी ने जो आपको देख रहे हैं कि अगर वो अपने लॉकर्स में रखे हुए, तो भाई निकाल दो, खुदा की नहीं, अगर मुल्क रहेगा तो सब कुछ होगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, वी नीड टू एक्ट लाइक अ नेशन, एंड मुझे पूरा यकीन है मुस्तफा, वी आर हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस होना तो इस मुल्क में पाकिस्तान से ज्यादा वो कहते हैं ना चैरिटी कोई नहीं करता,
फ्लड्स होते हैं, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, वी एक्ट एज अ नेशन. कोविड के टाइम पे मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं था, मेरे ख्याल से जो गरीब मुस्तहिक लोग थे उनके घरों में बोरियां भर गई थी. आई रिमेम्बर कि वी एक्टेड एज अ नेशन. मेमन्स हैं कराची में, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट वन पर्सन, उसने 2 अरब रुपए की चैरिटी की थी. मैं आपको बता रही हूँ कि चैरिटी का हो गया जब मुल्क को जरूरत होती है सब इकट्ठे. दिस इज द टाइम देन द कंट्री नीड्स एवरीवन टू एक्ट एज अ नेशन. ये अपना वी नीड टू ड्रॉप आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, वी नीड टू ड्रॉप आवर सेक्टिज्म. कि अगर किसी भी, और मेरी मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट है कि राइट नाउ जहां इतनी होपलेसनेस है, पॉजिटिविटी का एक मैसेज. और ये एजेंडा जो है कि जी वो हमसे आगे हो गया, बांग्लादेश हमसे आगे हो गया, पाकिस्तान में बहुत सलाहियत है, गलतियां सबसे होती हैं, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. और हमें एज अ नेशन एक्ट करना है, और जितने अपने जखायर, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ये जितने फॉल्स मीन से आप करें ना, उसमें बरकत नहीं है. वो जितनी क्रिप्टो और वो बिटकॉइन थे सब डाई डाउन हो गया. सो आई थिंक ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. जिस तरह पुष्पा साहब ने कहा कि हमें पॉजिटिविटी फैलाने की जरूरत है, बहुत हैवी डोज बातें हो गई है. व्हेन यू आर गोइंग टू कम बैक, आई लव माई स्किन सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है. वो कौन है जो फकीर नहीं है, पैसे मांगता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाते हैं? सवाल बड़े बुरे लग रहे. वो कौन है? ये बिस्किट भी मजे का लग रहा है, मजे का लग रहा है. इन्होंने फेस सेविंग कर ली है. सो दो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते? कश्मीरी से पूछ रहे हो कि दो ऐसी चीज क्या होती है, हम तो सब कुछ नोश फरमा सकते हैं. कश्मीरियों का तो आलू गोश्त बहुत मशहूर है, हेलीकॉप्टर वाले. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट. और वक्त आ गया है आई लव माय स्किन. और डेफिनेटली हमें लगता है कि आप अपनी स्किन से बहुत प्यार करती होंगी. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन. अगर आप सवाल का सही जवाब दे पाई तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू टेक अ बाइट. जो आपके सामने पैटीज पड़े हुए हैं और बिस्किट पड़े हुए हैं, जिस मर्जी चीज की आप बाइट लेना चाहें. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? आप पहले भी ये सेगमेंट खेल चुकी है. अली की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम अहमद है, एक का नाम फरीद है, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अली. अली वो कौन है? अली के माँ के 3 बच्चे हैं. हाँ, पहला क्या था? चले अहमद, फरीद, जो तो अली. अली इज द राइट आंसर. सो देख लें कि ये खाली टेक्नोक्रेट, अभी बता रही थी कि चीजें टेक्नोक्रेट, ये मोनोटोनस पॉलिटिशियन नहीं है. सो यू गोइंग गुड. अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइवर? तो कल गए ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल. हमारे इर्द गिर्द चीज है, वो आपने अक्सर औकात उस चीज का नाम लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट. सोशल मीडिया नहीं, मतलब वो तो पीटीआई के लिए सिनेरियो में तो डिफरेंट ड्राइवर ना. पीटीआई के सिनेरियो में तो ठीक है कि वो ड्राइव जो है वो कर था. आदिल राजा एक टाइम पे जो है ना, वो पूरी पूरी जो है ना, वो पार्टी की जो जितने भी आपके फॉलोअर्स थे पीटीआई के, उनको ड्राइव करना शुरू हो गया था. अच्छा, जिस टाइम पे वो कहता था कि जी आईएसआई के फ्रांस देखे सियासी लोग हैं. हमने तो आपने ड्राइवर की बात की, हमारे दिमाग में सोशल मीडिया कैंपेन्स आ गई क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, दैट्स द मेन ड्राइवर. नहीं, वो हमें नजर आ रहा है कि माशाल्लाह मरियम औरंगजेब साहब और हिना परवेज भट्ट वायरल हो रहे हैं. आप सोशल मीडिया को बहुत सीरियस लेना शुरू हो गए. वी लॉस्ट एन इलेक्शन टू दिस. आप बहुत सीरियस ले रहे हैं सोशल मीडिया को. थोड़ा सा ठीक है, चिल पे रिलैक्स करें. सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नाउ यू नो व्हाट टू डू. ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 टेक अ बाइट. पैटीज कहां है यार आपके लिए, हमने पैटीज मंगवाए. चलो स्क्रू ड्राइवर, कंप्यूटर ड्राइवर, वो एक्चुअली तो कितना लेम था. एक सियासतदान से आप पूछोगे तो उसका ड्राइवर तो उसके सामने. सियासतदान इंसान नहीं होते? देखो सियासी ज़ेन होता है ना. यही तो, यही तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कंटेंट की बात है. यही तो हमने चेंज करना है. क्या सियासतदान इंसान होते हैं? मूविंग ऑन. दो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते? टू थिंग्स. एक कश्मीरी से पूछ रहे हो कि दो ऐसी चीज क्या होती है, हम तो सब कुछ नोश फरमा सकते हैं. कश्मीरियों का तो आलू गोश्त बहुत मशहूर है, हेलीकॉप्टर वाले. हमें पता है फॉर योर लव फॉर फूड, वी अंडरस्टैंड. तो फिर दो ऐसी क्या चीजें जो नाश्ते में नोश नहीं कर फरमा सकते? सोचे
टू थिंग्स यू कैन नॉट हैव. बहुत ओपन एंडेड था. दो चीजें ऐसी क्या हैं? बिल्कुल ओपन एंडेड नहीं है. जरा लम्स वाले जोन में जाए ना, टीचर बने. तो आपने क्या कहा था? आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है. अब हम आपको चीजें जो नाश्ते में नाश्ते में नहीं ली जा सकती. नहीं. हाँ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You cannot have lunch or dinner in breakfast. That was so lame. Hai na na? Now you have to. This is called thinking out of the box. अब आपने बाइट करनी है. Ruining the box. नहीं, आपने बाइट करनी है. जब आप रील को रीइन्वेंट करते हैं, रील कभी कभी टूट, व्हील कभी कभी टूट भी जाता है. तो कौन है जो फकीर नहीं है, पैसे मांगता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है? मुझे सवाल बड़े बुरे लग रहे. वो कौन है? ये बिस्किट भी मजे का लग रहा है. मजे का लग रहा है. इन्होंने फेस सेविंग कर ली है. सो बस कंडक्टर इज नॉट अ फकीर, पर वो पैसे मांगता है, घंटी बजाता है, पुजारी नहीं है और बस्ता भी लटकाता है, औरत नहीं है. मूविंग ऑन. एक्सपेक्टेड मोर. नहीं 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 नहीं, ये तो कर. अब मैं ये पकड़ ही रखती हूं. ये तो आई लव माय स्किन. मुझे लगता है ये डिफरेंट जोन के क्वेश्चंस हैं. स्किन अच्छी करने के लिए खुश रहना पड़ता है और हम आपको खुश कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं. आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं. देख लें, इंटेलेक्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं. मैं बहुत ऊपर का सोचती हूँ पर जवाब बहुत नीचे का आता है. ये तो मसला, आप सियासतदान रहते कहीं ऊपर है नीचे आ जाए. हम आवाम नीचे है, बिजली के बिल नीचे जमीन पे आते हैं. अगला सवाल पूछो. मूविंग ऑन. चलिए, ये भी आपसे जो है ना, एक रिडल है. फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है, जलती है जेलसी नहीं. अगरबत्ती. मुझे लगा आप कह रही मरी मोहरत. अगरबत्ती इज द राइट आंसर. आई लाइक द बिस्किट्स, आई एम गोना ईट द बिस्किट. हां, वो आप मतलब आपने पैटीज भी खाना है या अब ये भी आपके लिए. चलिए, मेरा अगला सवाल ये है. आप एक रेस में दौड़ रही हैं और आप सेकंड आने वाले पार्टिसिपेंट को क्रॉस करती है. नाउ ऑन व्हाट पोजीशन यू आर ऑन? मैं एक रेस में हूं. यू आर रनिंग इन अ रेस और उसमें आप सेकंड आने वाले पार्टिसिपेंट को क्रॉस करती हैं. अब आप किस पोजीशन पे फाइज हैं? पहली पे द इंटेलेक्ट, मतलब ऊपर. मैडम के मैंने ऊपर का सवाल किया था. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आपको आना चाहिए. लियाकत अली खान. लियाकत अली खान इज द राइट आंसर. घर पे बैठे हुए लोग आपके लिए तालियां जरूर बजा रहे होंगे बिकॉज आपने जो है सेगमेंट बहुत अच्छा खेला. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो. जाने से पहले वन एडवाइस टू योर ओन पार्टी, टॉप टियर लीडरशिप. एक मुखलिस एडवाइस एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मैं आपको जनरल बात हूं, पंजाब को नून से बहुत उम्मीद है. पंजाब में जब भी किसी पार्टी ने आज तक काम किया है, मैं आपको ये एज अ जर्नलिस्ट नहीं कह रहा, मैं भी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पंजाब बन के आपको बात बता रहा हूं, पंजाबी होने की ऐसी से एक बात बता रहा हूं. इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और हमारे जब भी मसाइल किसी एक पार्टी ने एड्रेस किए हैं, वो नून ने एड्रेस किए हैं, सक्सेसफुली एड्रेस किए हैं और उनके काम नजर आते हैं कि मोटरवे और आपके रिंग रोड वाले मामलात और जितने भी अंदरूनी मामलात. जब मियां साहब वॉज द सीएम ऑफ पंजाब, सो आपने कभी भी नहीं सोचा था कि मोबाइल यहां से लगाएगा तो कोई किसी की जरूरत भी हो सकती है कि वो आपके पास लेते हैं. अब तो मैं देख रहा हूं कि वीडियोस आती हैं, शर्म आ जाती है कि चलती औरतों को छेड़ के लोग निकल जाते, सोच भी नहीं सकते थे. और सीसीटीवी फुटेज अगर आ जाती और शहबाज शरीफ सीएम पंजाब होता तो वो उसकी पूरी नस्ल जो है ना दोबारा उस औरत के पास से नहीं गुजर सकती थी. ये तो मियां साहब की वो गिरफ्त थी. अब एज अ पंजाबी, एज अ पाकिस्तानी, अगर आपने नून को एडवाइस करनी है जो कि सही एडवाइस हो, बेशक आपको शोकेस आ जाए, आपको फोन आ जाए, पर एडवाइस आपने सच्ची करनी है. एडवाइस तो मेरा ख्याल है कि एडवाइस क्या गलतियां जो इन्होंने की इस 15-16 महीने के अंदर. मुस्तफा, इन 15-16 महीनों को तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी बिकॉज वो कहते हैं ना कि आपने पंजाब की बात की, पंजाब में या किसी कहीं पे भी रन करने के लिए इट वाज अ जॉइंट गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर जॉइंट गवर्नमेंट में ये कि आधा टाइम तो आप लोगों की विश लिस्ट को पूरा करते रहते. ठीक है, यू नीड 2/3 मेजोरिटी. अगर पंजाब में हमने डिलीवर किया है तो वो इसलिए हमारे पास 2/3 मेजोरिटी थी. वी वर फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग. मैंने आपसे बात पहले भी की कि तर्ज सियासत बदल गई. ठीक है, पहले प्रोजेक्ट्स लगते थे, प्रोजेक्ट बेस्ड सियासत होती थी, उसके ऊपर इलेक्शन लड़े जाते थे. हमने ये किया, ये किया, ये किया. अब सोशल मीडिया की मुझे अपनी लीडरशिप से उम्मीद पूरी है और यकीन भी है. मियां शहबाज शरीफ से कि मियां नवाज शरीफ साहब? देखिए, शहबाज साहब इज अ डूअर ऑन ग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेशन उनसे कोई मुकाबला नहीं. अच्छा, सियासतदान नवाज शरीफ साहब की विजन जो है, ही इज अ विजनरी मैन.
वो कहते हैं ना उनकी लीडरशिप क्वालिटीज अलग है, मियां साहब की, शबाज साहब की अलग है, मैं पिक एंड चूज नहीं करी बिकॉज ये सब मिलके नून लीग बनते हैं, हमजा साहब हो गए, मरियम बीबी हो गए, ठीक है, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि अपनी लीडरशिप काम करने डूअर्स भी चाहिए और थिंकर्स भी चाहिए, हर तरह के ना, जो मरियम बीबी की क्वालिटीज है, द वे शी इज वोकल, द वे शी हैज सोशल मीडिया, वो ग्रिप वो हमारी और किसी लीडरशिप में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी तो पार्टी को गूंगों की पार्टी कहा जाता था, मरियम नवाज आई है तो आवाज आ गई। नो, मेरी बात सुनो, हमारे जो सियासी सारे लीडरशिप थी दे वो कैमरा शाय, मीडिया शाय, मरियम बीबी के आ जाने से वो वैक्यूम जो था वो हो गया। सो मुझे मेरा नहीं ख्याल अपनी लीडरशिप को बताने की जरूरत है कि उनको किस तरह डिलीवरी पे फोकस करना है, परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए डिट्रैक हो गए, ये हम भी थोड़ा समझ गए कि यार डिजिटलाइजेशन ये भी कोई नए ट्रेंड के अंदर आप लोग भी हो गए, हमारे तो जड़ों में बसी हुई ये बात, पुल ब्रिज ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रोजेक्ट हो गए, सीपैक फुल थ्रॉटल हो गया। So, मुझे नहीं लगता कि मुझे लीडरशिप को कहने की जरूरत है कि हमें दोबारा ये कुछ करना है। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें उस तरह का, इफ नॉट 99% तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, एंड आई हैव फुल फेथ इन माय लीडरशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शो। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा।